अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ईसा खान है। मैं नवाब साहब कुंटे में रहता हूँ, सरवर होटल के पास, मुस्तफ़ा मस्जिद के पास। मैं अप्रैल की 7 तारीख को उस्मानिया दवाखाने में एडमिट हुआ था। मेरा ऑपरेशन था, वहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो है ना, जब मेरे को बाहर लाया गया, L4 L5 का ऑपरेशन था मेरा। जब मेरे को बाहर लेके आ गया, मेरी हालत की बेहालत हो गई थी। मुझे उस्मानिया के डॉक्टर मेरा पूरा घुटना जला दिए। वहाँ पे मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके मेरे उस्मानिया में, फिर भी इलाज मेरा सही नहीं हुआ। नहीं होने पे आज मैं परेशान हूँ, बहुत भी बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर वहाँ पे हाथ छोड़ने से मैं प्राइवेट दवाखाने में रुजू हुआ। अब प्राइवेट दवाखाने में मेरे को खर्चा बता रहे हैं, फिर भी वहाँ पे मैं अपने लड़कियों के चीज़ें बेच के इलाज कराया। 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ खर्चा हो गया मेरा। उसके बाद अब मेरे हालात, गुंजाइश मेरी वैसी नहीं है कि मैं कैसा आगे कदम बढ़ाऊं। अब मेरे को इलाज के लिए पैसे चाहिए, इलाज कराना है मेरे को। उदयमनी में इलाज चल रहा मेरा, उदयमनी में इलाज चल रहा मेरा। अब मेरे को 1.5 लाख की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर बोले 1.5 लाख आपको खर्चा आता, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ फिलौकत हमारे अमजदुल्ला खान साहब के पास मदद के लिए। उनको आके बोला, सुनाया तो अमजदुल्ला खान साहब बोले, आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह हम आपके लिए कोशिश करेंगे, आपके लिए अपील डालेंगे, बोल के मेरे को बोले अमजदुल्ला खान साहब। दारुल अमान प्रजा दरबार में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखना है इलाज के लिए। मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि आप डोनर्स मेरे को मदद करिए, मेरी हेल्प करिए। 5 लड़कियाँ हैं मेरे को, एक लड़का है। घर का किराया भी चढ़ गया, मकानदार जो है मेरी हालत देख के खामोश बैठे हुए हैं। तकरीबन साल भर से बहुत परेशान हूँ मैं। आप लोग मदद करें तो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद ईसा खान है। 1 साल पे बेड पे हैं उन्होंने, 1 साल से। उस्मानिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान उनके पैर जला दिए उस्मानिया में जी। प्राइवेट में करा रहे हैं हम इलाज इनका, उदयमनी में। तकरीबन 2.5 लाख खर्चा हो गए हमारे। अब फिर हमारे को 2.5 लाख का खर्चा है जी। मेरे को 5 लड़कियां, 1 लड़का है। हम बहुत परेशान हैं। आप सब लोगों से हमारे मदद की गुजारिश है, जो भी हमारी मदद करेंगे, दुआएं की गुजारिश। मेरे शोहर